हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज आवर्त और वर्ग के बारे में बताऊंगा। किसी तत्व का आवर्त कैसे निकालें और वर्ग को कैसे ज्ञात करें। आवर्त, सबसे पहले आवर्त की परिभाषा जान लेते हैं। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त 7 वर्ग 18, जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति हैं उन्हें वर्ग कहते हैं, वर्ग 18 होते हैं। यहाँ पे किसी तत्व जैसे फास्फोरस, लिथियम, उसका वर्ग और आवर्त कैसे निकालें उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जैसे ले तुम मैग्नीशियम उदाहरण है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 12 है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन -2, -8, -2 होगा। यहाँ पे जो 2 है अंतिम कोष में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एस ब्लॉक के लिए यदि तत्व एस वर्ग का है तो अंतिम कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्रमशः तत्व प्रथम व द्वितीय वर्ग का होगा। यानी कि मैग्नीशियम के अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरे वर्ग में। और आवर्त बराबर सूत्र होता है कुल भरे गए कक्षों की संख्या बराबर आवर्त की संख्या, यानी कि KLMN। 4 कोष होते हैं KLMN, तो यहाँ पे 3 कोष कॉल भरे हैं, इसीलिए KLM यानी कि तीसरा आवर्त। 3 कोष भरे हैं तो तीसरा आवर्त, 4 कोष भरे हैं तो चौथा आवर्त, 5 कोष भरे तो पांचवा। इसी प्रकार आगे 7 तक आवर्त चलते हैं। और यहाँ पे दूसरा नियम है, कहता है कि पी ब्लॉक के लिए यदि अंतिम मुख्य कोष में 3 से 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यदि किसी भी तत्व के जैसे फास्फोरस है और जैसे लिथियम है, उसके बीच 3 से 8 तक अंतिम कोष में अगर इलेक्ट्रॉन हैं, तो वर्ग की संख्या बराबर 10 प्लस अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे यहाँ पे फास्फोरस का उदाहरण दिया गया है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 होता है। यहाँ पे पी ब्लॉक का तत्व है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 5 होता है। जब 2, 8, 5 इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा, तो यहाँ पे अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे सूत्र मैंने बताया है कि वर्ग की संख्या बराबर 10 प्लस अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पे 10 प्लस 5 = 15, तो यहाँ पे फास्फोरस 15, तो यहाँ का देखिए 15 वर्ग में पड़ रहा है। ठीक, आवर्त इसका होगा तीसरा, क्योंकि 3 केवल कक्ष भरे हैं, फास्फोरस में 2, 8, 5, तो यहाँ का तीसरा आवर्त फास्फोरस। इसी प्रकार सल्फर, स्पीकर, क्लोरीन का निकाल सकते हैं। तीसरा डी ब्लॉक के लिए परमाणु क्रमांक 21 से 30 हो, तो यदि परमाणु क्रमांक 21 से 30 हो तो वर्ग की संख्या बराबर Z-18 है, यानी कि जेड बराबर परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। यह सूत्र लगेगा यहाँ पर की संख्या बराबर अगर तत्व 21 से 30 के बीच में पड़ रहा है, यानी कि हम जैसे 21 से 30 के बीच में ले रहे हैं टाइटेनियम Ti, ये इसका एटॉमिक नंबर 22 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2, 8, 8, 4, यानी कि 8, 2, 10, 8, 18, 4, 22। ठीक, कुल इलेक्ट्रॉन हो गए, कक्ष कितना बढ़े, 1, 2, 3, 4, तो यह चौथा आवर्त है, आवर्त इसका चौथा है। वर्ग ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया है Z-18, वर्ग की संख्या बराबर Z-18, जेड बराबर परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आपकी 22 है और 18 घटा दीजिए, चौथा चौथे आवर्त आ जाएगा। तो देखिए टाइटेनियम चौथे आवर्त में है, चौथे आवर्त। इसी प्रकार और डी ब्लॉक के लिए जैसे परमाणु संख्या 39 से 48 तक के बीच में तत्व हों, तो वर्ग की संख्या बराबर Z-36, तो Z-36 39 से 48 के बीच में तत्व हम ले रहे हैं Zr-40। जर्कोनियम, जेडार इसका प्रतीक है, सिंबल है और एलिमेंट है जेडार। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2, 8, 8, 18, 4, आठ दो दस, आठ अठारह दो छत्तीस, चार चालीस। तो यहाँ पे आवर्त आपका 5 होगा, या क्योंकि यहाँ पे KLMN आगे 5 आवर्त भर रहे हैं, यानी कि 5 कक्ष भरे हैं, तो 5 आवर्त। और 40 से 36, यानी कि जब हम Z-36 घटाएंगे, जेड बराबर होता है यहाँ पे परमाणु संख्या, परमाणु संख्या आपकी 40 है, 40 में से 36 घटाएंगे तो चौथा आवर्त आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जर्कोनियम कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में। टाइटेनियम निकाला था, वह भी चौथे आवर्त में। और इसी प्रकार हम
किसी भी तत्व का आवर्त और वर्ग निकाल सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं आप लोगों को SPDF कक्षाओं से, अभावनियम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को अंत तक SPDF के बारे में अगली वीडियो जरूर लाऊंगा। इसके लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।